और कभी बस नाश्ता किया ब्रंच टाइप, और अभी बज चुके हैं 1:24 और 197 किलोमीटर्स बाकी है दिखा रहा है। तो रोड्स तो बहुत अच्छे हैं, मतलब एक्सप्रेसवे टाइप ही रोड्स हैं, और डेढ़ दिन हमारे छुट्टी का ख़त्म ही हो गया। जब छोटी छुट्टी होती है ना तब ऐसे ही लगता है कि फटाफट दिन जा रहे हैं, बट आई थिंक जब से गुरखा लिया ना तो ऐसे नहीं लगता कि कहीं पर पहुंचना है और बस जाके मतलब होटल में चेक इन करना है, आराम करना है। आई थिंक यही हमारा हॉलीडे है, तो वो भी एक फीलिंग मस्त आ रही है कि वो हॉलीडे वाली एंजॉयमेंट वाली फीलिंग, रिलैक्स वाली फीलिंग ना ये सब ड्राइव में भी आ रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बस फटाफट पहुंचना है कहीं पे और वहां पे जाके एंजॉय करना। तो गुरखा में ये एक फीलिंग है, मतलब गुरखा ही एक हॉलीडे है। क्या सही सेइंग, मस्त मैंने ढूंढ निकाला। दावणगिरी से हमने NH 48 छोड़ा और अभी हम लोग को इंटीरियर रोड से कहीं से लेके जा रही थी, तो ये जगह मस्त हम लोग को मिल गई कि चिका और ऐश को ऑफ लीज छोड़ सकते हैं। मस्त बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, कोकोनट के ट्रीज लगे हैं बहुत सारे और यहाँ पे कुछ खेत है शायद, तो इसलिए हमने सोचा चलो यहाँ पे पार्क करते हैं और इनको भी थोड़ा पैर फैलाने का जगह मिल गया। क्या हो रहा है उधर? ए चिट्टू इकड़े आपके पास भी है? हम नहीं, वहाँ नहीं है हमारे पास, नहीं। यूट्यूब में देखो, मैं डालूंगी तुम्हारा यूट्यूब में। नाम क्या है तुम्हारा? अली। धारा होमस्टे का बोर्ड दिखाई दिया हमें, ये इस साइड से था, हम लोग आए जब ही हम लोग उस साइड से आए तो उस साइड से नहीं है, इस साइड से। हाँ, तो हम लोग आगे चले गए और लोकल से पूछा तो उनसे पता चला किसी को, हालांकि हिंदी इतना ज्यादा बोलने को नहीं आता यहाँ पे, बट हम लोग को 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर उतना समझ में आया। और अभी SH 52 या 57 था, तो उधर से ये डिटूर लिया हमने अंदर की तरफ और अभी ये कच्चा रास्ता चालू हो गया है। ये रास्ता ही बोर्ड लगे हुए ऐसे हमें बताया गया है, तो हमें बताया गया है कि रोड पे बोर्ड लगाए गए हैं, तो अभी वो देखते देखते ही हम जाएंगे। तो ये कच्चा रास्ता चालू हो गया है, जब ही हमने बुक किया था तभी रिव्यूज में काफी पढ़ा था कि रास्ता बहुत ही खराब है, टायरिंग है, और किसी किसी ने लिखा था कि 4x4 चाहिए। इधर लिखा है देखो, मनिक के धारा लेफ्ट, तो बोर्ड्स तो लगे हुए हैं, तो किसी ने लिखा था कि 4x4 व्हीकल चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना कुछ खराब रास्ता नहीं है कि 4x4 चाहिए इसके लिए,
नॉर्मल व्हीकल भी आ सकती है, आई थिंक हमारी डस्टर भी आ जाती थी यहाँ पे आगे, पता नहीं। हाँ बट अभी मे भी शायद मॉनसून में स्लिपरी होता होगा या बहुत ज्यादा गड्ढे वगैरह होते होंगे तो मे भी 4x4 लगता होगा, बहुत मडी स्लिपरी अगर ये बात होता होगा तो। बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, मस्त चल रहे हैं हम लोग। हमारी हालांकि तो 4x4 है तो हमको तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये तो अभी देखो 4x2 में ही चल रहा है, 4x2 में। और ये कौन सा कह रहा है, आई थिंक सेकंड में आप चला रहे हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। तो अंदर है एकदम, बट रास्ता बहुत घने जंगल से होके जा रहा है। ये वापस यहाँ पे बोर्ड दिखे, तो बोर्ड तो अच्छा है, ये सब लगाया गया है, ये सब बहुत अच्छा है। काफी खराब है, आप देख सकते हैं। हम तो मजा आ रहा है क्योंकि हमारी व्हीकल बनी उसके लिए है 4x4। हालांकि 4x4 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर इसके सस्पेंशन और इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही, हम आराम से जा रहे हैं। पर जिसकी जिसका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो, जिसके पास हैचबैक सेडान हो, उनको थोड़ा इश्यू आ सकता है यार, तो आप थोड़ा वो कंसिडर करके आ सकते हैं।
बहुत इंटीरियर्स में है भैया, मस्त। मतलब जितना हाईवे पे चलाया ये इतने पिछले 15-20 मिनट के ऑफ रोडिंग ने मतलब एकदम चेंज कर दिया माहौल। बहुत मजा आ रहा है। हाँ तो हाथा को हाला बता पार्किंग। माय गुडनेस, लोकेशन तो मतलब भयानक है, खतरनाक। अभी जो फर्स्ट ग्लिम्स मिला है, टू गुड टू गुड।